फाइनली रीच श्रीनगर। लोग पीछे से कितना सुंदर लग रहा है। इन लोगों ने क्या बोला कि आप लोग ना अपना घाट नंबर 12, दिस इज घाट नंबर 12, इट्स रिटन हियर, घाट नंबर 12 पे आप उतर जाना और यहीं से ये लोग हमको पिक करके आई डोंट नो कहाँ लेके जाएंगे, आइलैंड पे अंदर हमारा शायद होटल है मेरे ख्याल से, मुझे भी नहीं पता। और मेरे हस्बैंड गए हैं कार पार्किंग के लिए, उन्होंने बोला था घाट नंबर 12 पे आ जाना, घाट नंबर 7 पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कोई टैक्सी स्टैंड वगैरह होगा वहीं पे पार्किंग वगैरह होगी। अभी जैसे जैसे उतर गए अपडेट देती रहूँगी आपको। गर्मी है, सच में गर्मी, आई एम जस्ट वेयरिंग सिंपल सा कल वाले कपड़े पहने, हम लोगों ने कुछ नहीं चेंज किया, हमें था कि हम लोग 2-3 घंटे बाद पहुँच जाएंगे रानबान से, बट लग गए हम लोगों को ऑलमोस्ट जो वी हैव रीच्ड हियर अराउंड 1:15 हो रहा है अभी जो हम लोग पहुँचे हैं। वही ट्रैफिक बहुत था बट रास्ते में जो रूट थे ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। चलो मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने घाट नंबर 12 से भैया ने हमको पहले फ़ोन करके बोल दिया था कि घाट नंबर 12 पे उतर जाना, और वहाँ से हम लोगों को भैया आ गए हैं शिकारा पे लेने के लिए। हमारा जो लगेज है सब कुछ ये रहा, हम और हमारा लगेज शिकारा पे है, और हम लोग थोड़ी देर के लिए शिकारा की राइड भी इंजॉय करेंगे। भैया कितनी दूर का रास्ता है यहाँ से आपको? 2-3 मिनट में पहुँच भी जाएंगे। भैया अगर हम लोग से 2-3 मिनट में पहुंच भी जाएंगे, मैं आपको ना एंट्रेंस में दिखाऊंगी हम लोग कैसे मतलब एंटर कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है यहाँ से कि शिकारा से हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। गर्मी अभी भी बताऊँ सच में बहुत है, हम लोगों ने तो आइसक्रीम खा ली है, बारिश पड़ता है। तो भैया यही तो आप लोगों के हाउस बोट यही तो होंगे ना? मुझे एक मिनट नहीं लगा मुझे उस घाट से यहाँ तक आने के लिए, और मेरा होटल ये रहा। एक बाहर ही बैठी हुई हूँ, लाइक लिटरली आई एम सिटिंग लाइक दिस, मेरा होटल पीछे है ये रहा। देंगे मेरे को उतरना है, मैं आपको अपने व्यूअर्स को मेरे को होटल दिखाना है मेरा होटल कैसा है। आपने जैसे देखा होगा कि मैं अभी अपने शिकारा से उतरी थी, मैं उस घाट से आई थी शिकारा पे, शिकारा से उतर के ही अब मैं आपको अपना होटल की तरफ दिखाती हूँ। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। बाकी शिकारे के लिए मैं आपको कॉल करूँ? 700 का रेट बोला ना आपने, तो आप हमें इको नहीं कर सकते? दो बच्चे भी जा रहे हैं। ये है इनका डाइनिंग हॉल, दिस इज द पैसेज। बहुत सिंपल सा बेसिक्स है बट बना है यहाँ पर, है आइलैंड के ऊपर, तो इसलिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और मेरा जो होटल है रूम है जो ऊपर है, यहाँ से लेफ्ट लेके ही मेरा रूम आ जाएगा। डाइनिंग हॉल है और ब्रेकफास्ट में देखती हूँ क्या क्या है आज। ये ऑमलेट है क्या? ऑमलेट लग रहा है। ये कैसी सब्जी है? चटनी है, सब्जी है, नो आइडिया, जो भी है। परांठे, ब्रेड टोस्ट एंड चाय, एंड साथ में फ्री का व्यू। सीढ़ियों से मैं ऊपर आ गई, फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा रूम है। एक तो मैं आपको यहाँ का एक व्यू दिखाती हूँ, अगर ये वाला रूम मिले ना सबसे बेस्ट है, इसका व्यू बहुत अच्छा है। आपको ये वाला व्यू मिलेगा अगर आपको यहाँ पर आप आते हैं तो। ये सब नीचे गार्डन एरिया मिलेगा आपको यहाँ बैठने के लिए, जो हमारा प्लान है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग यहीं पर करेंगे। ये सारा आपका डल लेक है, वो रिसेप्शन एरिया है आपका, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ अभी। मैं आपको अपने रूम की तरफ लेके चलती हूँ। एक्चुअल में बेसिकली ये बना रूम होटल जो है आइलैंड पे बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ना टापू, उस पे बना हुआ है। हाउस बोट के कंपैरिजन में बोलूँ तो बहुत बेटर है। ओके, मैं फिर से वापस आती हूँ। ये मेरा रूम है, जैसे मैं एंटर करूँगी, एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे है मेरा मिरर लगा हुआ है। हाय, दैट्स मी पायल, और ये रहा रूम। बेसिक सा रूम है, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा, इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है रूम है,
सबसे बड़ी बात है कि आइलैंड पे बना हुआ ये वाला रूम, मेरे लिए ये सबसे बहुत अच्छा था। वेस्टर्न टॉयलेट है, हैंड शावर था यहाँ पर। एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि यहाँ पर मेरे पास अलमीरा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सीलिंग फैन नहीं था तो टेबल फ़ैन था, वो भी हम लोगों ने रिप्लेस करवाया क्योंकि वो थोड़ा टेबल फ़ैन खड़खड़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो भैया ने कूलर रिप्लेस कर दिया हम लोगों को। साइड पे सोफ़ा है, जैसे मेरी डॉटर है शी कैन स्लीप हियर, टू छोटा सोफ़ाज है। और ना अलमीरा ना होने की वजह से मुझे सारा सामान अपना ऐसे ही बिखेर के रखना पड़ रहा है। और ये है सबसे बेस्ट व्यू, व्यू देखो नाइट का, अभी के बज रहे हैं 8 o'clock हो रहे हैं और व्यू देखो बहुत ही अच्छा है। कमिंग टू द पार्ट कि मुझे ये होटल कितने का पड़ा है, क्या कॉस्ट आया है और मैंने कितने दिन पहले बुक किया था इसको। मैंने ना गूगल पे बहुत टाइम से सर्च किया, मैंने 2 दिन पूरा दिए इसको सर्च करके, और मेक माई ट्रिप पे मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा था, तो मैंने गूगल क्रोम पे ही सर्च किया, लेक साइड व्यू करके है होटल का नाम। मुझे ये पड़ा है 2500, मी माई डॉटर माई हस्बैंड इज देयर, और क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव है हम लोगों का इस अमाउंट में। मुझे बहुत अच्छा लगा होटल, मतलब मुझे ना लग नहीं रहा कि मुझे हाउस बोट में जाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि नीचे पूरा गार्डन एरिया है, मैं वहाँ बैठ के खाना वाना मॉर्निंग में, जैसे हम लोगों का प्लान है मॉर्निंग खाना खाने के लिए, दोपहर के टाइम पे मैं वहीं पे बैठी हुई थी। अगर मुझे रोड पे जाना है तो शिकारा भैया के पास है, तो भैया शिकारा पे हमको टू एंड फ्रो कर देते हैं, वो ड्रॉप कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ आओगे तो मुझे लगता है 1 रात या 2 रात तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, मतलब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक आध मैं 2 शॉट्स डालूंगी आपके मॉर्निंग के और आफ्टरनून के, अगर मैं यहाँ पर हुई तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर किया आपको और समझ आ गया कि मैं कहाँ रह रही हूँ, कितनी ब्यूटीफुल जगह पर रह रही हूँ। और मैं बाकी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इनका एड्रेस है। मैं आप बाकी कुछ अगर मुझसे आपने पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय। सिर्फ आइसक्रीम लेके आया है वहाँ से, शिकारा करके हम लोग टापू तक गए हैं, नहीं सॉरी टापू से हम लोग शिकारा करके घाट तक गए हैं सिर्फ ये लेने के लिए आइसक्रीम से। और ऐसे मौसम में ऐसे व्यू में पीछे आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। सो लेट अस एंजॉय द आइसक्रीम नाउ।